Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. खुशियों के शावर है हंसी हर लम्हा जिंदगी इस जी भर के जी लो अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो हमसे है ये जहां विंग्स से रंग है यहां लिए हाथों में हाथ देख दूजे का साज अपनी जाना विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान भुला दो हर गम खुशियां ने देखा कि ब्लूम गार्डेनिया वापस आ गई और अर्थ पे नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी लेकिन ट्रिक्स ने उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा और उसे तंग करने आ गई उसको ब्लैकमेल करने और अपने पेरेंट्स को बचाने में ब्लूम अपनी पावर्स गवा बैठी लेकिन ब्लूम को एक बहुत अच्छी बात पता चली कि डेफनी और ब्लूम सिस्टर्स हैं। मुझे भी तुम लोगों से वापस मिलके अच्छा लगा क्या हुआ है तुम परेशान लग रही हो सब ठीक है ना ब्लूम बिल्कुल सही मिस फेलागोंडा को भी यही जानना है ये लो गरम गरम पी लो तुम्हारे लिए फायदेमंद है क्या मुझे बताना पसंद करोगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ ब्लूम मैं गार्डेनिया वापस चली गई थी मुझे ये लगा था कि मैं स्कूल के लिए नहीं बनी ओह ब्लूम ये बहुत मुश्किल सफर था लेकिन इससे फायदा हुआ अब मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है क्या था इसका क्या मतलब है मेरा मतलब मुझे सच्चाई पता चल गई है मैं लास्ट प्रिंसेस ऑफ डोमिनो हूँ मैम द कीपर ऑफ ड्रैगन फ्लेम इसलिए लेक ड्रोकुलूचे पे डैफनी द नेप ने मुझे क्राउन दिया और इस क्राउन के सिंबल की वजह से उसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी हाँ मगर तुम ही वो सिंबल हो ब्लूम इसका मतलब आपको मेरे बारे में पता है ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ब्लूम मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि तुम अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए खुद से मेहनत करो अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करती तो आपको लगता है कि मुझे उन तीन विचेस से पता चलना ज्यादा बेहतर था कौन सी तीन विचेस तुम किसकी बात कर रही हो आई सी डार्सी और स्टॉर्मी मुझे फॉलो करते हुए गार्डेनिया आई और मेरी पावर्स ले गई जो मुझे प्रोटेक्ट करनी थी ड्रैगन फ्लेम उनके पास है अब वो विचेस नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं है उनकी आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट नजर आती है वो ईविल है मैम उन्हीं तीन ईविल विचेस की तरह जिन्होंने डोमिनो डिस्ट्रॉय किया था बहुत पहले और अब क्या होगा मुझे नहीं मालूम लेकिन मैजिक्स के लिए अच्छा नहीं होगा
तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो? ये मेरा स्कूल है और मैं तुम्हें यहाँ कुछ नहीं करने दूंगी, चली जाओ। मिस ग्रिफिन, आप ठीक तो हैं? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है आईसी? अच्छा, लगता है तुम लोगों का भी यही हाल करना पड़ेगा। है आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ के इंचार्ज अब हम हैं। Witches of Cloud Tower, listen. अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अगर तुम में से ये सब चेंजेस किसी को अच्छी ना लगे तो हमें बता दे, हम कुछ और चेंज कर देंगे। ग्रिफिन, तुम और तुम्हारी स्टूडेंट्स अब तैयार हो जाओ क्लाउड टावर पे एक अच्छी वेकेशन मनाने के लिए। स्नेक्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लगता है तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई ग्रिफिन। पछताओगी। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके बच पाओगी? ओह हाँ, यहाँ पर आपके एफर्ट देखकर सब लोग बहुत इम्प्रेस हुए। बहुत बड़ी गलती कर रही हो, ये सिर्फ बेवकूफी है। मैं बेवकूफी कर रही हूँ? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो दोबारा बोल कर दिखाओ। बस थोड़ी देर में हम कैसल क्रिप्ट जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज्यादा इविल स्पेल्स हैं, और फिर हम आर्मी ऑफ डार्कनेस बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं, आज तक कोई भी आर्मी ऑफ डार्कनेस को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ओह रियली? अब ये सब हमारा है। आर्मी ऑफ डार्कनेस अब हमारे कंट्रोल में होगी। आप परेशान मत होएं, वो विचेस अभी ना तजुर्बेकार है। वो ये भी नहीं जानती कि ड्रैगन फ्लेम की पावर कैसे इस्तेमाल करनी है। माना कि उनके पास तजर्बा नहीं है, लेकिन वो उसकी कमी गुस्से से पूरा कर लेती। मैं आपके एक्सपीरियंस पर भरोसा करता हूँ और रेड फाउंटेन को अलर्ट जारी कर देता हूँ। मिस ग्रिफिन का क्या कहना है, क्या आपकी बात हुई उनसे? क्लाउड टावर से कोई जवाब नहीं आ रहा, मुझे यही फिक्र हो रही है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं फैसला करने से पहले। मुझे अफसोस है, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकी जब मुझे करनी चाहिए थी, और अब पूरी मैजिक डिमेंशन खतरे में है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मगर क्या? मेरा मतलब, मेरे पास अब पावर्स नहीं है, मैं फेरी नहीं हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा।
हाय स्टेला, क्या ब्लूम से बात हो सकती? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। नहीं कर सकती? ओह, उसने बात करने से मना कर दिया। डार्सी ये सुनकर बहुत खुश हो। यहाँ चल क्या रहा है? ग्रिफिन ने अपना ऑफिस तुम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कैसे दे दिया? क्योंकि हमने यहाँ कब्जा कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता तुम लोगों ने क्या किया है, लेकिन तुम लोगों से अब मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। ओ रेवन, तुम अभी भी इस तरह की बातें कर रहे हो? हमारी इस कामयाबी के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारे बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम उन पेरिस तक कैसे पहुंचते? नो, तुम लोगों ने इस्तेमाल किया मेरा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे समझ जाना चाहिए था। Spear of Oblivion! करेंगे, उसके बाद पूरी मैजिक डायमेंशन पे, और उसके बाद तुम जल्दबाजी कर रही हो स्ट्रॉमी। आज एल्फी और रेड माउंटेन को पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल हैं। होने के तौर पर हम तुम्हें कमांड करते हैं। बताओगी नहीं तुम्हें कैसी लगी हमारी आर्मी? आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। गर्ल्स, बाहर देखो जरा, बारिश होने वाली है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये। सब जल्दी से यहाँ से निकले, स्कूल पर हमला हुआ है। आ!
हम लोग खड़े हुए क्या देख रहे हैं? हमें भी लड़ना चाहिए। इन सब को वहाँ वापस भेजना पड़ेगा जहाँ से ये आए हैं। लेकिन मैं मदद नहीं कर सकती। फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे ब्लू। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैंने अपनी पावर्स तो खो दी है, लेकिन मुझे पता है खुद को कैसे डिफेंड करना है। नाइट सोल टेक्निक फोर्थ लेवल ऑफ पावर, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर सिखाऊंगा। डरो नहीं, इन्हें मैं देखता हूं। वो ईस्ट विंग तक पहुंच चुके हैं और अब वो लेबोरेटरीज पर हमला कर रहे हैं। क्या आपने सुना सलादिन, वो विचेस एल्फिया पे कब्जा कर रही है। सिचुएशन तो रेड फाउंटेन की भी अच्छी नहीं, सारी मैजिक डायमेंशन खतरे में है। प्लीज आप मुझे जाने दें, मेरे बॉयज को मेरी जरूरत है। Whoa!
पुलिस का है, हम आपको लेने आए हैं। क्या? हम आपको यहाँ से निकालने आए हैं। आपको अपने आप को बचाना होगा, हमारे साथ चलना होगा। हम इस डायमेंशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, मेरी यहाँ जरूरत है। बेवकूफी मत करें, आप प्रिंस हैं, आपकी जगह वो लड़ेंगे। किसका वेट कर रहे हो? तुम प्रिंस हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। देखा तुमने, अब वक्त आ गया है इन सबको रोकने का। इन क्रिएचर्स को वापस बुला लो। मैजिक डायमेंशन अब हमारी सारी डिमांड्स पूरी करेगा। विंग्स है ऐसा एक जहां पूरे हो हर ख्वाब जो देखे थे कभी। ऐसा नहीं कोई बस विंग्स क्लब। विंग्स क्लब एनर्जी पावर फॉर दोस हु आर द साइन ऑफ द विंग्स। विंग्स क्लब, विंग्स क्लब, विंग्स उम्मीदों का जहां हो पूरे हर अरमान जो चाहे थे सभी। ये है विंग्स की शान। खुशियों के शावर है हंसी, हर लम्हा जिंदगी इसे जी भर के जी लो। अब वक्त ना रहा वो कि हर जुल्म पी लो। हमसे है ये जहां, विंग्स से रंग है यहां, लिए हाथों में हाथ, देख दूजे का साज अपनी जाना। विंग्स दे चेहरों पर मुस्कान, भुला दो हर गम, खुशियां देखा कि ट्रिक्स ने ब्लूम से ड्रैगन्स फ्लेम छीनकर उसका गलत इस्तेमाल किया, पहले क्लाउड टावर को फतह करने के लिए और फिर एल्फिया और रेड फाउंटेन पर अटैक करने के लिए। ट्रिक्स का पहला अटैक तो स्पेशलिस्ट ने नाकाम बना दिया। एक अटैक के दौरान स्काई ने सेल्फिश जैस्परो को छोड़ दिया और रेवन को ये मालूम हो गया कि डार्सी उसको इस्तेमाल कर रही थी। देख लेना, तुम्हारा ये छोटा सा स्कूल हम बहुत जल्दी तबाह कर देंगे। हमारे पास सुपर पावर है, इसलिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैजिक डायमेंशन को कंट्रोल करने से भी। तुम्हारे पास सरेंडर करने के लिए पूरा दिन है, वरना तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना मेरी ये बात। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये तीनों विचेस बिल्कुल एंसेस्टर्स की कॉपी हैं। लेकिन कम से कम इनकी एंसेस्टर्स के पास ड्रैगन फ्लेम की ताकत नहीं थी। हमें मिलकर काम करना होगा। मैं रेड फाउंटेन जाकर डिफेंस स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइज करता हूँ। हमें जल्दी एक्ट करना होगा।
माई स्वीट इट्सी बिट्सी बेबीज, मेरे पास वापस आ गए। क्या हुआ मेरे नन्हे अर्जुन, क्या खेलना है? पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। वो विचेस हमारे खिलाफ अटैक प्लान कर रही हैं। वही सब कर रही हैं जो इनकी एंसेस्टर्स ने किया था। पहले भी इसी तरह उन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को हिला कर रख दिया था, और अब विचेस की एक और जेनरेशन लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार उनके पास वो वेपन भी है जो उनके एंसेस्टर्स के पास भी नहीं था, योर पावर, जिसकी वजह से उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। ब्लूम, ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वो ये कि तुम डोमिनो वापस चली जाओ। डोमिनो? मगर क्यों? क्योंकि इन्हीं के तीन एंसेस्टर्स ने तुम्हारी बर्थ प्लेस डिस्ट्रॉय की थी, तुम्हारा किंगडम तबाह किया था, और अब आईसी, डार्सी और स्टॉर्मी उन्हीं के इविल फुटस्टेप्स पर चल रही हैं। और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद रॉयल पैलेस में किसी कोने में तुम्हें कोई क्लू मिल जाए, कुछ भी ऐसा जो तुम्हारी मदद कर सके तुम्हें तुम्हारी पावर ड्रैगन फ्लेम वापस हासिल करने में। ब्लूम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और इसलिए हम साथ जाएंगे। एब्सोल्युटली, तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। वैसे भी हम इसे अकेला कैसे जाने दे सकते हैं? ओह, थैंक यू गर्ल्स। All right, fairies, जाने के लिए तैयार हैं सब? ठीक है, गौर से सुनो, मैंने सिस्टम को अच्छी तरह चेक कर लिया है। कुछ सेकंड्स बाद ये सिमुलेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉरिडोर खोलेगा जो तुम्हें सीधा डोमिनो ले जाएगा। अंडरस्टैंड गर्ल्स? एक बात याद रखना, ये कोई ट्रेनिंग नहीं, सब रियल होगा, इसलिए रिलैक्स होकर फोकस रखना और किसी भी चीज से डरना मत। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। हम सबका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। डोमिनो में कितनी सर्दी है। बहुत ज्यादा नहीं, हौसला है जहां। जितना जल्दी हो सके हमें रॉयल पैलेस ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बर्फ बन जाए। काश मेरे पास मेरी पावर्स होती। ब्लूम, फिकर करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने इस जगह की टोपोग्राफी छान ली है। वो फ्लैट एरिया दिख रहा है मैप में? मुझे लगता है यही रॉयल पैलेस है। ओह टेक्ना, तुम ग्रेट हो।
रहा है, मदर नेचर हमसे खुश नहीं है। तुमने सही कहा, मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। Come on, girls, आगे बढ़ते रहो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा यहाँ होना विचेस की कोई चाल नहीं। बिल्कुल नहीं, हम डरे हुए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज। तो क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो अब आपके दोस्त हैं। आईसी डांसी और स्टॉर्मी बहुत बुरे हैं वो तीनों। उन्हें छोड़ने पर तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। सलादीन, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम भी गद्दार का साथ देते हो। क्या तुम हमारे दुश्मनों से मिल गए हो नट? तुम्हारे लिए क्या बेहतर है तुम्हें नहीं पता। क्रेजी विचेस। जवानों, सिचुएशन बहुत सीरियस है, वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ जंग के लिए। तैयार हो तुम लोग? यस सर। हम तैयार हैं। किसी भी हाल में विचेस को जीतने नहीं देना। हाँ? बस बहुत हो गया, वक्त आ चुका है, सब लोग अपनी जगह पर जाओ। ये सब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। Ah!
स्टॉर्मी, इन लोगों को देख रही हो? ये बेवकूफ है इसलिए कोशिश किए जा रहे हैं। हमें कोई भी नहीं हरा सकता। हे बिग गाय, बहुत शुक्रिया। Aerometria, Solus Negatum, Orion Lestet, Pentium Latima. Setem Latium. चले जाओ शैतानी क्रिएचर, दबाओ जाओ रेड माउंटेन से। इन्हें भी आजाद कर दिया। हालात बिगड़ चुके हैं, सब के सब बैटलशिप पर वापस चलो। कर दिया, वो डर के भाग गई यहाँ से। सही कहा, हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ, असल चीज तो अभी बाकी है। गर्ल्स, मेरे ख्याल से हमें भाग जाना चाहिए। वो सामने देखो। हाँ? देखती हूँ ब्लू मैजिक वे से है सजा।
कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो? लगता है कुछ और करना पड़ेगा, इस पर तो असर ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एल्फिया पर अभी तक अटैक नहीं हुआ, हम अपने ट्रूप्स को दोबारा तैयार कर सकते हैं। कम ऑन यंग बॉयज, हम तुम्हारी सेटल होने में मदद करेंगे। थैंक यू फेरेकोंटा, सिचुएशन बहुत खराब है, रेड फाउंटेन तबाह हो चुका है, मैजिक डिमेंशन का फोर्ट्रेस टूट चुका है। हमने बहुत कोशिश की उनसे लड़ने की, लेकिन आखिरकार हथियार डालने ही पड़े। कम से कम यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। हाँ, मगर बदकिस्मती से मुझे डर है कि कहीं ये जंग सिर्फ शुरुआत ही ना हो।
बेलेट्रिक्स की डेडलाइन खत्म हो गई है। डार्क आर्मी ने रेड फाउंटेन पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। विंग्स डोमिनो चली गई हैं ताकि कोई रास्ता ढूंढ के ड्रैगन फ्लेम वापस हासिल कर सके। रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर मिल गया जो ट्रिक्स ने भेजा था, जिसकी वजह से ब्लूम नीचे गिर गई। अब ब्लूम का क्या होगा? मैं कितनी लकी हूँ। मैं वाकई लकी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे काम रहना चाहिए। मैं क्रेविस के नीचे हूँ, मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो आओ उस पर अटैक करते हैं। उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि हम उसे हरा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मॉन्स्टर को लगता है हम मर गए, तो अब हमें उससे लड़ने के बजाय ब्लूम को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। हाँ, लेकिन कहाँ से शुरू करें? तूफान की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। उस तरफ देखो, वहाँ ऊपर कैसल टावर जैसा लग रहा है। हाँ, वो कैसल टावर ही है। जिस जगह खड़े हैं यकीनन कैसल यही है। गर्ल्स, हमें डोमिनो का रॉयल कैसल मिल गया। आई होप ये टनल कहीं तो लेके जाएगी। ये सब क्या है? ये कोई केज नहीं है, ये तो कॉरिडोर है किसी कैसल का। लगता है ये आइस में कवर होने से पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मुझे बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। हाँ, मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। अगर मैं वाकई डोमिनो की प्रिंसेस हूँ, इसका मतलब ये मेरा घर है। कितनी खूबसूरत जगह है। ये जरूर कोर्टयार्ड है या फिर था। अर्थक्वेक! मुझे नहीं लगता ये तो कैसल का कोर्टयार्ड है। वो देखो, ये तो ब्लूम है। ब्लूम, हे, जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बना रही हूँ जिससे तुम्हारी पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी स्टेला। वाओ! जो आयोनिक पार्टिकल्स तुम जनरेट कर रही हो वो खुद ही कैटलाइज हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, बस समझो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। गुड जॉब यू टू। सब कुछ बिगड़ चुका है, उन तीन विचेस ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिकर मत करो, ब्लूम ट्रिक्स मैजिक डायमेंशंस के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और ना हम होने देंगे। आई होप कि ऐसा ही हो।
ये देखो अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स डैमेज नहीं हुए। हो सकता है कि उन विचेस को मालूम ही ना हो इस जगह का। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है हमें नीचे जाना चाहिए। इस जगह को देख के लगता है यहाँ काफी टाइम से कोई नहीं आया। तुम सही कह रही हो, यहाँ पर कोई फुटस्टेप भी नजर नहीं आ रहा। ये लो, मैंने टॉर्च भी ऑन कर दी। ब्लूम, क्या हुआ? तुम लोगों ने सुना वो आवाज? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। गर्ल्स, मैं टेफनी। मेरी बहन? She's beautiful. आखिरकार हम मिल ही गए। मेरे पीछे डैफनी। कुछ कहो मत, बस सुनो। जानती हूँ तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल हैं। हम इसी कैसल में पैदा हुए थे, लेकिन तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो यहाँ नहीं है। लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हें जरूर मिल जाएगी, तुम्हारा पास्ट भी, और एक बहुत बड़ा राज। ये है डोमिनो का ट्रेजर रूम। चलो अंदर आ जाओ। स्टेला, लगता है ब्लूम तुमसे ज्यादा अमीर है। पैसे नहीं होंगे तो ब्लूम से ही मांगूंगी। ये वही क्राउन है जो मैंने लेक के अंदर देखा था। ये तुम्हारा क्राउन है, उठाओ उसे और गौर से सुनना। ब्लूम, तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम हमेशा से ड्रैगन बॉल की कीपर, और ये वो पावर है जो मैजिक डायमेंशन को शैतानी ताकतों से दूर रखती है। वो तीन एंशिएंट विचेस, वो पहली शैतानी क्रिएचर्स थी जिन्होंने फ्लेम की पावर स्टील करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी, मगर डोमिनो को तबाह करने में कामयाब हो गई। जिसने आखिरकार डैफनी को हरा दिया था, लेकिन उससे पहले उसने तुम्हारी जान बचा ली। किंग और क्वीन ऑफ डोमिनो को लगा कि उनकी दोनों बेटियां मर गई हैं, तो अपने गम को कम करने के लिए वो चिलावतर हो गए। आज भी वो अपनी बेटियों की वजह से उदास है। माय मॉम, माय डैड। जानती हूँ तुम्हें ये सब सुनकर दुख पहुंचा होगा, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है। yes. ब्लूम, मुझे अभी पता चला कि मेरी बहन डैफनी ने मेरे लिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस की है और मेरी जान बचाई। मुझे ये भी पता चला कि मेरे असली पेरेंट्स को क्या हुआ है, वो अभी जिंदा है मगर पता नहीं कहाँ है। डैफनी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मैं ट्रिक्स को हराऊंगी मैं हमारे पेरेंट्स को ढूंढूंगी। तुम उन्हें जरूर ढूंढ लोगी, और मुझे फख्र है तुम पर। मैं जा रही हूँ ब्लूम, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। हमें फौरन मैजिक्स वापस जाना चाहिए। उन विचेस का प्लान खराब करूंगी और अपना ड्रैगन फ्लेम वापस लूंगी। इतना एनर्जेटिक मैंने तुम्हें बहुत अरसे बाद देखा है। मैं भी यही सोच रही थी कि पुरानी ब्लूम कहाँ गई। मैं भी। अब मैंने अपने पास्ट के बारे में सब जान लिया है, मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। हमारा दोस्त फिर से वापस आ गया, और इस बार ये अपने दोस्तों को भी लाया है। इसका मतलब वो डरता तो है हमसे। So ready, Huggles? Wings attack! Flora magic wings! Techno magic wings! Fuse of magic wings! हमसे ना टकराना, ताकि हम
दिया है। ऐसा लग रहा है पूरी आर्मी के साथ आया है ये मॉन्स्टर। चलो गर्ल्स, इनका काम तमाम करते हैं। कहते हैं क्लीन सुई। सही कह रही थी तुम फ्लोरा, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिलहाल कैसे जाने में ही हमारी भलाई है। सारे हैं, अब इस बारे में बच चुके फ्लोरा। फ्रेडी, तुम कहावत सुनी है ना, द बेस्ट डिफेंस इज द गुड ऑफेंस। हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ब्लू। हम हार नहीं मान सकते। ये उन्हें कुछ देर के लिए रोक कर रखेंगे। अगर इन लोगों ने गेट तोड़ दिया तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। मैं डिफेंड करने के लिए सोनिक कर्टेंस लगा देती हूँ। नहीं म्यूसा, ये बहुत खतरनाक होगा। तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं? वो बहुत ताकतवर है। बंदर आ गए। वो हमारे करीब पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या करें हम? प्लान बी। जैसे ही मैं गो कहूं, गो। हाँ।
मेरे दोस्तों से दूर रहो। Come on, guys. चलो इन्हें खत्म करते हैं। क्या बात है? इसे कैसे बचेंगे? All right, everybody, अब हमें मिलकर अटैक करना होगा। जेटना, तुम्हें अटैक कोऑर्डिनेट करना होगा। सब साथ अटैक करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अभी करती हूँ। स्टैटस फेयर। हमें करना पड़ा। तुम लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ हैं? रेड फाउंटेन तबाह हो चुका है और सारे स्पेशलिस्ट एल्फिया आ गए। फिर मेरी प्रोफेसर प्लैडियम से बात हुई और उन्होंने बताया कि तुम यहाँ हो। उन्होंने हमारे लिए पोर्टल भी खोला, लेकिन हम फिर भी तुम लोगों को ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें तो पता है ब्रैंडन कभी गिव अप नहीं करता, इसीलिए तो अपनी टीम के साथ आ गया। क्यों ना हम सब वापस एल्फिया चले अभी? यस प्लीज। वैसे भी सर्दी से मेरी स्किन खराब हो जाती है। ब्लूम, मैं कुछ कहा तुमने? नहीं, well, हाँ बोला मैंने। ब्लूम, आई एम सॉरी जो कुछ हुआ उसके लिए। मैंने डियास्पर से दोस्ती खत्म कर दी है। सच कहूँ तो मैं उससे दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। Really? I'm sorry. No, I'm not sorry. पता नहीं तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ ब्लूम, मैं जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे बीच कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई और हमारी दोस्ती खराब हो गई। लेकिन खैर छोड़ो अब इन बातों को, मैं चाहता हूँ बस हम हमेशा अच्छे दोस्त रहें। मैंने भी गलती की है ब्रैंडन, लेकिन कुछ चीजें एडमिट करना मुश्किल होता है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ ब्लू। खैर जो भी हुआ, मैंने कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने माफ किया, लेकिन एक कंडीशन पे। ओके, जो भी तुम चाहो। मैं तुम्हें सिर्फ स्काई बुलाऊंगी, मुझे प्रिंस कहना अच्छा नहीं लगता। तो डील डन।